बनाने के लिए हमने 2 लीटर गाय का दूध ले लिया है, 1 बॉल हम शुगर लिए हैं यानी कि शक्कर, 1 कटोरी राइस, ये छोटी वाली दाने वाली राइस है, खीर के लिए ये परफेक्ट होता है। हम थोड़ा सा बादाम यूज करेंगे और थोड़ा सा इलायची लिए हैं जिसे हम कूट के डालेंगे। तो चलिए हम खीर बनाना शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए हमने 2 लीटर दूध उबलने के लिए रख लिया है। जब तक अपनी दूध में उबाल आ रही है तब तक हम चावल को धो लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने चावल को 2 पानी से अच्छे से धो लिया है और दूध उबालने में टाइम है, तब तक हम पानी में ही चावल को छोड़ेंगे। हल्का सा फूल जाएगा तो खीर जल्दी तैयार हो जाएगी। अपनी चावल भी फूल गई है और दूध में आप देख सकते हैं अच्छे से उबाल भी आ गई है। तो हम पानी से चावल को ऐसे छानते हुए और धीरे से चावल दूध में छोड़ देंगे। तो ऐसे हम, तो आप देख सकते हैं हमने दूध में चावल छोड़ दिया है। अब हम इसे चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। हमें तब तक पकाना है जब तक कि अपनी खीर सॉफ्ट ना हो जाए। आप देख सकते हैं अपनी चावल जो है दूध के साथ बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो हमें खीर के लिए ऐसी ही पकी चावल होनी चाहिए, यानी कि गल जाना चाहिए पर देखने में वो अच्छे से दिख रहा है। इस स्टेज पे हम ये शक्कर डाल देंगे। तो शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। किसी को ज्यादा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है, तो उस स्टेज पे थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर लीजिए। हमने जो इलायची आपको दिखाया था उसे हमने छील के हल्का सा क्रश कर लिया है, वो भी हम खीर में डाल दिए हैं। अब हम इसे आधा मिनट तक उबालेंगे। शक्कर डालने के बाद हमें ज्यादा नहीं पकाना होता है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि दूध अपना फट जाता है। तो हम खीर में एक बढ़िया सा उबाल आने तक पका लेंगे। इतने में अपनी शक्कर जो है वो पक जाएगी और अच्छे से चावल के साथ वो मिक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं शक्कर डालने के बाद हमने आधे मिनट तक चावल को अच्छे से उबाला है दूध के साथ। तो अपना दूध शक्कर चावल अच्छे से मिक्स होके खीर तैयार हो चुका है। चलिए हम फ्लेम बंद कर देते हैं। चलिए हम खीर की प्लेटिंग कर लेते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगी अपनी खीर कितनी बढ़िया तैयार हुई है। न ज्यादा गाढ़ी है, न ज्यादा पतली है, हमें ऐसे ही परफेक्ट खीर बनाना था। तो चलिए हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से इसे गार्निशिंग कर लेते हैं। तो हमने जो बादाम लिया था उसे बारीक बारीक काट लिया है, इसे हम थोड़ा सा डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपने चावल और दूध की खीर कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। खीर तो आपको पता है कभी भी डिजर्ट के रूप में, या बच्चों का बर्थडे हो, या आद्रा नक्षत्र हो, या कभी भी कोई खास फंक्शन हो, हम फटाफट खीर बना देते हैं। तो आज हमने वही फटाफट चावल दूध से बनने वाली खीर बना के आपको दिखाई है। फ्रेंड्स अगर आज की मेरी ये फटाफट बनने वाली खीर आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत।